अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। देखो बात सुनो हमारी, कृष्णा ने हमें साथ में देख लिया, हमें पक्का यकीन है कि हम पकड़े जाएंगे। तो क्या हुआ जीत, तुम ऐसे डर का है? बात डरने की नहीं है, बात है कि हम अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं और कृष्णा की बहुत इज्जत करते हैं। बाकी तुम सही कह रही हो, हम भी थक गए हैं इस झूठ से। हम चाहते हैं कि कृष्णा को सब सच सच बता दे, ये चूहे बिल्ली का और खेल नहीं खेला जाता हमसे। चलो जीत। इतनी आग लगने के बाद भी इन्हें कोई सेवियर बर्न नहीं हुआ है, ये सिर्फ बेहोश है, जल्दी ही होश में आ जाएंगी। और हाँ, आप इन्हें किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेस मत होने देना, बाकी सब ठीक है। मैं चलती हूँ, अगर कुछ भी आप लोगों को लगे इमरजेंसी में तो मुझे कॉल कर देना। कृष्णा बेटा, तू ठीक है ना? कृष्णा, कृष्णा संभल कर। कृष्णा कहाँ जा रही हो बेटी तुम? और गोपाल के बीच में कुछ कुछ है? अम्मा जी, ये इन लोगों का निजी मामला है, इन्हें खुद ही सुलझाने दीजिए, हम लोग बीच में ना आए तो अच्छा होगा। क्या बोले जा रही हो कृष्णा, कुछ भी सोच रही हो तुम? देखो तुम्हें ना रेस्ट की जरूरत है, डॉक्टर ने बोला है ना अभी। नहीं, कुछ भी नहीं सोच रहे हैं हम, हमें आज सच जानना है। तुम गोपाल के साथ थे ना? तुम साथ थे ना इसके? और तुमने वो फोन हमें किया था ना? तुम इसके साथ? कृष्णा हमारी बात सुनो, हमारी तरफ देखो प्लीज। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। एक बात बताओ, तुम हमें क्या, तुमने हमें कहीं भी पार्टी में देखा? हमारा उस पार्टी से कोई लेना देना ही नहीं था। किसी भी अरेंजमेंट में तुमने हमें देखा हो, कहीं किसी के साथ बात करते हुए देखा हो, हम तो उल्टा तुम्हें बोल रहे थे कि हमें उस पार्टी में नहीं जाना, हमें जरूरी काम है। नहीं, हमें पार्टी में नहीं देखा तुम्हें, लेकिन तुम्हें गोपाला के साथ बाहर जाते हुए देखा था, और तुमने अपना वेश बदला हुआ था। तुम्हें है ना कोई गलत फहमी हुई है, हमें कैसे देख सकती हो तुम? और रही बात गोपाला किसके साथ थी, तो गोपाला हमारे साथ नहीं थी, वो किसी और के साथ। हम तुम्हें बताते हैं वो किसके साथ थी, वो है ना ये थे।
जीत, जरा भी शर्म नहीं रही ना तुमने। एक बात अच्छे से याद रख लेना, जिस तरह से तुम्हें कृष्णा की कोई फिक्र नहीं है ना, उसी तरह से हमें तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। अच्छा तो यही होगा कि आज इसी वक्त तुम्हें अपने घर से, अपनी जायदाद से बेदखल कर दें। हाँ तो नहीं जीत, माफ कीजिएगा पापा जी, माफ कीजिएगा। जीत जीत को ना कृष्णा की ही फिक्र है, और इसलिए हम भी कृष्णा को कुछ नहीं कहेंगे। जीत कृष्णा के साथ ही रहेगा पापा जी। लड़की तुम बहुत समझदार हो, फिर क्यों खड़ी हो इन लोगों के बीच में? चली क्यों नहीं जाती यहां से? क्या किया तुमने? क्यों रोका हमें? अरे करने देते उस जायदाद से बेदखल, हमें नहीं चाहिए कोई जायदाद। एक चैन की जिंदगी जीना चाहते हैं हम, कर देते वो बेदखल हमें, कम से कम चैन की सांस तो ले पाते हम। कैसी बातें कर रहे हो जीत, कैसी बातें कर रहे हो? तुम भी कहते हो ना कि तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार सबसे पहले है, तो उनके खिलाफ तुम कैसे जा सकते हो? और हम जानते हैं जीत, परिवार तुम्हारी खुशी है, और अपने स्वार्थ के लिए हम तुम्हारी खुशियों को ना दांव पे नहीं लगा सकते। इस वक्त ना कृष्णा को तुम्हारा जरूरत है, इस परिवार को तुम्हारी जरूरत है। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं जी, बहुत प्यार करते, लेकिन हम इस वक्त तुम्हें उनसे दूर नहीं कर सकते। ये आदमी था, और आप सब लोग चुप क्यों? बताइए ना कि बाहर गोपाला के साथ कौन था? और कृष्णा, हम जब आए तो हमें तुम्हें इस हालत में देखा, तुम्हारी हालत बहुत खराब थी, बाकी हमें नहीं पता कुछ। गलती हो गई हमसे, हमने तुम्हारे ऊपर शक किया। अभी ना हम पागल है, हम कुछ भी उल्टा सीधा आपसे ना बिना सोचे समझे ना कुछ भी बोल देते हैं। अब क्या करें, हम बहुत डर गए थे। माफ कर दो, हम आगे से ना आइंदा कभी ऐसा नहीं करेंगे, और कभी ऐसा नहीं सोचेंगे। कोई बात, हम बोल रहे हैं ना, कोई बात। और गोपाला, तुमसे भी माफी मांगते हैं हम, हमें माफ कर दो गोपाल। हमने तुम्हारा भी तो दिल दुखाया है, गलती हो गई हमसे, अब क्या करते? अब जीत से प्यार ही इतना ज्यादा करते हैं कि क्या बताएं। जीत किसी और के साथ है, हमारे जहन में ना ये ख्याल अगर आया तो हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। हाँ, हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, और बस वही हुआ हमारे साथ, अब हम सहम गए थे इसीलिए। पर अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना, अब सब साफ है। अब देखिए दंगल प्ले पर टीवी से पहले।